See one question today about the application of all these systems. You know, the question is you will find from the NCERT text, page number 191, and example. This is example number. It is 5.10. This is the illustrative question. The question says that a solenoid has a core of material with relative permeability is equal to 400. So what is given here in the question? Yes, in the question what is given? Given a solenoid. Okay, a solenoid has a core of material with relative permeability is equal to 400. It is given to you. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of, the winding means that coil current is given to be 2 amperes. This is the coil current is given to you. Okay, so insulated from the core and carry a current of 2 ampere, full stop. If the number of turns is 1000 per meter, okay, so n is equal to 1000 turns per meter is given to you, then calculate to find क्या निकालना है आपको? पहले तो आपको निकालना है h निकालना है, ठीक है? This is the a part is h, b part is you have to find the value of b निकालना है, c part is आपको magnetization निकालना है इसका, और d part जो है आपको magnetizing current निकालना है इसका. So these are the data that is been given to you, and you have to find these quantities for the solenoid. Solenoid diya aapko, to matlab ye aapko dekho, solenoid diya matlab ye aapko solenoid diya, aur ye jo hai ye particularly hawa wala solenoid nahi hai, air code nahi hai, it is a some material code, okay? And some material code solenoid is here, and we are having, you know, the turns, you can make the turns here like this, okay? Yahan se aapko इस प्रकार से आपको शो करना है कि उसके ऊपर में जो है ये टर्न्स ऐसे लगे हैं, ठीक है ना, ये ऐसे. और इसमें जो कॉइल करंट जो है, कॉइल करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आईसी से बोलते हैं. तो आईसी यहां पर ये दिया हुआ है, आईसी बराबर कितना दिया है? 2 एम्पियर दिया, सॉरी. एंड इसमें ये जो है, इसमें सोलेनोइड की लेंथ में पूरा जो कॉइल है, जो टर्न्स है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी बोलते हैं हम लोग, that is number of turns per meter, जो है n का वैल्यू इसमें दिया है. तो you have to find this. So just you try to understand here that as soon as you pass the current IC, then you tell me what is produced in the core. Yes, what is produced in the core? H बनता है. सीधी बात है, करंट से, कॉइल करंट से क्या बनेगा आपको? मैग्नेटाइजिंग फोर्स बनेगा. और इसके अंदर में, सोलेनोइड के अंदर में याद रखना, एक प्रकार से हमारा पास क्या? कोर है. कोर सॉलिनॉइड, चाहे आयरन कोर है, चाहे निकल कोर है, जो भी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कोर की सॉलिनॉइड है. तो जैसे करंट पास करेंगे तो वहां पर क्या बनेगा? जैसे ही करंट यहां पर पास करेंगे, है ना, एज सून एज यू विल पास द करंट, देन व्हाट हैपेंस? दिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज बीन प्रोड्यूस्ड. तो थोड़ा से अगर आप सॉलिनॉइड को थोड़ा से, मतलब इसको अगर, बाय द वे, इस प्रकार से अगर आप ड्रॉ करते भी होंगे और आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकालने की जरूरत है, तो आपको देखिएगा, मैं कैंची से अगर वायर को काट दूं यहाँ से, कट 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 कट, तो कैंची से काट दूं, तो आपको दिखता है कि ये जो करंट है यहाँ पर नहीं दिखी, ये जो करंट है यहाँ से अंदर से घुसा और फिर यहाँ से निकल के ये ऐसे आया, ठीक है ना. तो आपको दिखता है सी, द करेंट्स आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे? ये कंडक्टर्स हो जाएंगे, मतलब ये टर्न्स, कंडक्टर्स के टर्न्स हो जाएंगे. और ये करेंट बाहर आ रहा है, तो क्या बोलूँगा मैं? डॉट 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 डॉट, ठीक है. नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि H हमारे अंदर में है, H अपने को निकालना है, तो मैं एक पाथ लेता हूँ ऐसे, ठीक है ना, इसके अंदर से सीधा ये जो है एक पाथ मैंने ऐसे ले ली, और इस डायरेक्शन में मेरे को बखूबी पता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ H इन दिस पाथ, एंड से दिस इज द योर लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड, ठीक है ना. तो आपको दिखता है यहाँ पर H है, कुछ ना कुछ H है. बाहर में क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो रहा है या कुछ?
मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एच का वैल्यू क्या लेंगे हम, जीरो। यहाँ पर कुछ एच है क्या बाहर में, नो। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं नहीं, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है वहाँ पर एच का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच का वैल्यू यहाँ पर जीरो। तो सिर्फ एच इसके अंदर में है। तो अगर आप एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हो वंस अगेन, तो आपको क्या मिलता है ना, अप्लाइंग ऐसा करके, अप्लाइंग अप्लाइंग एम्पियर्स सर्कुटल सर्कुटल लॉ फॉर एच वी गेट क्या मिलता, पट पट से बताओ, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ योर एच डॉट डी एल का वेक्टर इज इक्वल टू, आपको मिलेगा यहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स योर कॉइल करेंट। तो ये जो क्लोज लाइन इंटीग्रल को अपन डिवाइड कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल वन, लाइन इंटीग्रल टू, है ना, लाइन इंटीग्रल वन, लाइन इंटीग्रल टू, लाइन इंटीग्रल थ्री, लाइन इंटीग्रल फोर, और सभी सम क्या हो जाएगा, इसको सम जब करेंगे तो लाइन इंटीग्रल टू प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ थ्री इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ये आखिर क्या बन जाएगा, ये सिर्फ आपका एच इंटू एल बराबर क्या बन जाएगा, एन इंटू क्या बनेगा, आई सी। तो एच का वैल्यू यहाँ से पट से तुम निकाल लोगे, एन इंटू आई सी अपॉन एल। तो मतलब ये इसको अपन एन अपॉन एल बोल सकते हैं और यहाँ पर आई सी बोल सकते हैं। एंड एन बाई एल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये करेंट दिस टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब ये क्या हो जाएगा, एन इंटू क्या बनेगा, ये आई सी। दस यहाँ से हम निकाल चुके हैं कि हमारा एच इज इक्वल टू एन टाइम्स योर आई सी। तो यहाँ पर एच का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना दिया बेटा, 1000 दिया है, और आई सी का वैल्यू कितना दिया, 2। तो क्या बन गया ये, 2000। यूनिट क्या होगा बताओ, बताओ इसका यूनिट की, यूनिट ऑफ एच से क्या हो जाएगा। एच देखो यहाँ पर एन आई बाई एल है ना, एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स अपॉन मीटर, एन का मतलब टर्न्स है और एम्पियर, तो क्या बोलेंगे इसको, एम्पियर टर्न्स अपॉन मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द एच। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना, बी। अब आपको मालूम इसके अंदर में कोर है, तो बी का वैल्यू क्या होता है बताओ, बी का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट या म्यू इंटू एच होता है। एंड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू जो होता है वो परमेबिलिटी ऑफ द एयर ऑफ फ्री स्पेस के साथ आपका रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू लास्टली तुम्हारा क्या आ गया, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। तो अगर बी का वैल्यू निकालना है वो यहाँ से निकाल सकते हो, म्यू म्यू का म्यू नॉट पुट कर दो, 4π × 10⁻¹⁷, और म्यू आर तुमको दिया है कितना, 400 दिया है, और एच का वैल्यू तुमने निकाल चुके हैं 2000, है ना। तो इसका आंसर आपका आएगा करीब करीब सॉल्व करने से आपका आएगा 1 टेस्ला के समान आएगा। 1 टेस्ला इज द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द कोर। द सेकेंड इज द मैग्नेटाइजेशन। नाउ ये मैग्नेटाइजेशन वाला वर्ड कहाँ से आया बताओ, ये कैसे निकालेंगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन को। मैग्नेटाइजेशन को निकालने का एक तरीका है, यस यस, मैग्नेटाइजेशन को निकालने की एक तरीका है। तो वो तरीका क्या है, मैग्नेटाइजेशन को कैसे कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो एक फार्मूला देखो, तुम्हारे पास कई फार्मूलेज हैं, आपके पास अगर जानते हो तो मैग्नेटाइजेशन का जो फार्मूला होता है, एम इज इक्वल टू आपको बताया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू एच होता है, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू एच होता है। एंड हम लोग ये भी जानते थे कि 1 प्लस ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो जो है दिस इज इक्वल टू म्यू आर होता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कि अगर 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है और म्यू आर का वैल्यू कितना दिया, 400, तो यहाँ से आपका देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400 - 1 इज हाउ मच, 399 आ गया। तो 399 का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो मैग्नेटाइजेशन कितना आ जाएगा, 399 के साथ में आप एच का वैल्यू कितना निकाले थे अपने, एच का वैल्यू कितना निकाले थे, 2 × 10⁻³। तो इसको करने से आपको आ जाएगा 2 9 18, 1 2 9 18 19, 1 2 7 7 798 × 10⁻³, है ना। 798 मतलब ये 8000 ही ले होता है ना, 798 मतलब यू कैन टेक 8000 ऑल्सो। सो रफली आपका एम आ जाएगा 790 मतलब 800 × 10³, मतलब ये बन गया आपका 8 × 10⁵, है ना, 8 × 10⁵ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट, यूनिट क्या होता है फिर से, यस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट होता है आपका एम्पियर पर मीटर। ये भी आपका क्या आ गया, एम्पियर पर मीटर आ गया है। नाउ नेक्स्ट द लास्ट थिंग यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटाइजिंग करेंट।
अब मैग्नेटाइजिंग करंट निकालने के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, तो वही वाला बी वाला फॉर्मूला में पुट अप्लाई कर दो। बी इज इक्वल टू है ना म्यू नॉट एन अपॉन एन बाई एल है ना इंटू आपका कॉइल करंट प्लस क्या हो गया मैग्नेटाइजिंग करंट है ना। ये फॉर्मूला की ये फॉर्मूला पता है कि नहीं आपको कहाँ से आता है? यू डोंट नो हाउ टू हाउ वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला? डू यू नो और नॉट टेल मी और आई विल फाइंड फॉर यू। ये फॉर्मूला कहाँ से है बताओ? ये फॉर्मूला यहाँ से है बेटा। ये देखो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या बनता है बी डॉट डी एल है ना, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन टाइम्स क्या हो गया एन टाइम्स आपको कॉमन ले लिया तो यहाँ से आई सी प्लस आई एम बनता था, ठीक है ना। बस यहाँ से ये जो है बी तो बाहर में एग्जिस्ट करता नहीं है, क्लोज लाइन इंटीग्रल में बाहर का जो कॉम्पोनेंट्स बी होगा वो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बी कहाँ रहेगा अंदर में रहेंगे। तो यहाँ से आपका बी इज इक्वल टू बी और ये एल हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल करोगे तो इतने ही तक एल आएगा। द लेंथ इज इक्वल टू आपको म्यू नॉट इंटू एन टाइम्स क्या आ गया आपको आई सी प्लस क्या हो गया आई एम, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? म्यू नॉट हो जाएगा और एन अपॉन एल टाइम्स यूर यू क्या हो जाएगा आई सी प्लस क्या हो गया आई एम। तो लास्ट एंटायरली गॉट फॉर्मूला एज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आपका हो गया आई सी प्लस आई एम। तो यहाँ से जो बी का वैल्यू आपको पता है वन है, वन टेस्ला पर निकाल चुके थे। म्यू नॉट का वैल्यू भी पता है आपको कितना होता है, फोर पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। एक आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको, ये भी तरीका ये बुक में ऐसी ऐसी इस मेथड को फॉलो किए हैं, ठीक है। दे आर फॉलोइंग द मेथड, दिस मेथड वॉज फॉलोड इन द बुक, दिस मेथड वॉज फॉलोड इन द बुक, वन ऑफ द ईजी वे, जस्ट यू पुट द वैल्यूज। ओके 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 देखिए देखो यहाँ पर ये वैल्यूज एन एन का वैल्यू पुट कर देना। एन का वैल्यू कितना दिया यहाँ पर बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स पर मीटर कितना दिया, थाउजेंड दिया है ना, थाउजेंड यहाँ पुट कर दो थाउजेंड, ठीक है। और आई सी का वैल्यू तुमने कितना निकाले, करेंट दिया हुआ था आई सी, आई सी टू टू प्लस यहाँ से आई एम। जब इसको सॉल्व करने से आपको आई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल लोगे, यू कैन वेरी वेल फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एम। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एम इज डायरेक्टली आप ऐसा लिखो कि एम्पेयर सर्कुटल लॉ एम के लिए क्या था, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ योर एम डॉट डी एल इज इक्वल टू आपको एन टाइम्स क्या था, ये मैग्नेटाइजिंग करंट था। तो यहाँ से सीधा आपको आ जाएगा एन टाइम्स क्या आ जाएगा आई एम, एम इंटू एल एल हो जाएगा क्योंकि बाहर में तो एम जीरो है तो इसका कॉम्पोनेंट बाहर में जीरो, तो अंदर में एम इंटू एल और एन अपॉन एल बराबर ये हो गया। तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना दिया बताओ, थाउजेंड दिया, टेन टू टेन पावर ऑफ थ्री, और आई एम का वैल्यू कितना 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 निकालना फिर निकालना है, ठीक है ना। और एम का वैल्यू कितना दिया है, एम का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग, ये कितना निकाले हैं आठ इंटू टेन टू द पावर फाइव बराबर टेन पावर ऑफ थ्री इंटू क्या हो गया ये आई एम। तो आई एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आठ इंटू टेन टू द पावर थ्री एम्पियर, सॉरी हाँ एम्पियर आ जाएगा ये, है ना। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 इंटू टेन टू पावर ऑफ थ्री एम्पियर, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन, 794 दिया यहाँ पर, यहाँ पर वो वाली जो ओरिजिनल फॉर्मूला से निकाल के दिया है, 794 दिया। वैसे मैं बताऊँ क्या, ये 798 आता है एक्चुअल में, अगर मैं कहूँ ना एक्चुअल में अगर मैं कहूँ तो ये एम के वैल्यू यहाँ पर क्या करोगे 798 लेके चलते हो, नहीं यहाँ पर ये 798 798 लेके चलते हो, यहाँ पर अगर 798 लेके चलते हो इंटू टेन पावर ऑफ थ्री करते हो तो टेन पावर ऑफ थ्री कैंसिल हो गया, तो आपका एक्चुअल आई एम का वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 798 एम्पियर, दिस इज एक्चुअल वैल्यू, गॉट इट। सो दिस इज वन ऑफ द न्यूमेरिकल दैट इज सॉल्विंग योर टेक्स्ट एंड आई थिंक सो It has the chances for coming in the examination.